अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, आज का मेरा वीडियो, आज आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खबर शेयर करूंगा। ये खबर जुड़ी है यूपी से, यूपी के बाराबंकी से। आज कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो निकल कर सामने आती जिसमें मस्जिद के आगे खड़े होकर माहौल को खराब किया जाता है, रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। आप लोगों को पता है दुर्गा मूर्ति के नाम पर जुलूस, रैलियां निकाली जाती हैं और उन रैलियों में, उन जुलूस में माहौल को खराब किया जाता है। मुसलमानों की मस्जिदों के आगे खड़े होकर घटिया तरीन गाने बजाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर रंग फेंका जाता है और यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर चप्पल फेंकी जाती है। इस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है और साथ जो मुसलमानों के घरों पर इस्लामिक झंडे लगे होते हैं उनको उतार कर फेंकने का काम किया जाता है और वहां पर भगवा झंडा लगाया जाता है। और साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इस शख्स, ये जो एक घर के ऊपर, एक मुस्लिम घर के ऊपर चढ़कर इस्लामिक झंडा उतारने का काम करता है, यहाँ पर भगवा झंडा लगाता है, इसे कोई गोली मार देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, वहाँ पर अब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हो सकता है कि रैली के अंदर ही कोई ऐसा शख्स हो नफ़रत फैलाने के लिए, इसको पहले ऊपर भेजा हो कि तुम जाकर झंडे को लगाओ, फिर उसके बाद इसको गोली मार दी हो। हो सकता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये रैलियां निकालते हैं, खुद पथराव करते हैं, फिर इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। इसी तरह हो सकता है कि इसको भेजा गया हो और इसको गोली मारकर ख़त्म कर दिया हो और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना है। अभी वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, मतलब कि पुलिस कायनात कर दी गई है। अब आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। लेकिन हमेशा मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हर मुसलमान भाई को आवाज़ उठानी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी अपडेट होगी इस हवाले से आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।